तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शियाओ नाइली और लू को अपने घर ले आया था और यहाँ उसने उन्हें रोकने के लिए एक एक कमरा भी दे दिया था। अब नाइली और लू यहाँ कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं और शियाओ किसी काम से कहीं चला गया था, तभी कोई गेट नॉक करता है। अब इसके बाद इस पार्ट की स्टार्टिंग इसी के आगे से होती है। अब जिस किसी ने भी गेट नॉक किया था उसकी आवाज सुनकर नाइली बाहर आता है। अब बाहर से एक आवाज आती है कि शियाओ क्या तुम घर पर हो, और ये आवाज एक लड़की की थी, जिसे सुनकर लू तुरंत ही वहाँ आ जाता है और नाइली से कहने लगता है कि शायद ये शियाओ की लवर है। पर अब नाइली उसे फालतू बातें करने से मना करता है और फिर आवाज लगाता है कि शियाओ घर पर नहीं है। मगर अब नाइली की आवाज सुनकर वो लड़की वहाँ से गेट खोलती है और अंदर आ जाती है। अब वो कहती है कि शियाओ यहाँ पर नहीं है क्या, तो इस पर नाइली आगे आते हुए कहता है कि नहीं, वो कहीं गया है, पर तुम कौन हो। वैसे भी अभी हम लू को देखते हैं जो कि भी बहुत ही ज्यादा शौक था उस लड़की को देखकर। अब वो लड़की बताती है कि मैं शियाओ की फ्रेंड हूँ और मैंने सोचा कि वो वापस लौट आए तो क्यों ना उन्हें जाकर हेलो कह दूँ। अब लू आगे आता है और कहता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तो इस पर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम हुआन लिन है। वैसे यहाँ पर हुआन सुनकर मुझे हुआन लिन की याद आ रही है, लेकिन अभी पता नहीं कि सच में कहीं ये उसकी सिस्टर तो नहीं, वैसे अभी मुझे बस डाउट है। अब वो इस तरह से बोल रही थी कि वो शियाओ की दोस्त है कि नाइली उसे देखकर ही समझ जाता है कि वो लड़की शियाओ को पसंद करती है। अब नाइली उससे कहता है कि शियाओ अभी घर पर नहीं है, लेकिन अगर तुम उसका इंतजार करना चाहो तो कर सकती हो, और अगर तुम्हें जाना हो तो। अब वो इतना कह ही रहा था कि तभी वो लड़की कहने लगती है कि ठीक है तो मैं उसका यहीं पर इंतजार कर लेती हूँ। अब वहाँ पर एक और लड़का आता है और अब हुआन लिन को लगता था कि ये शायद शियाओ है, तो वो कहती है कि तुम तो बहुत जल्दी आ गए। मगर अब वो पीछे मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि वो शियाओ नहीं है। इसके बाद अब फिर से दूसरी तरफ वो मुड़ जाती है। अब वो लड़का कहता है कि मैंने सुना था कि शियाओ वापस लौट आया है, तो मैं समझ गया था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगी। मगर इस पर हुआन लिन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यानहाओ। इस पर वो कहता है वैसे मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम शियाओ के पीछे ही क्यों पड़ी रहती हो, उसमें ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है। तो अब इस पर हुआन लिन कहती है कि तुम्हें इससे क्या, मैं उसे पसंद करती हूँ, और इतना कहकर अब वो थोड़ा आगे बढ़ जाती है। अब ये चीज देखकर लू को हंसी आने लगी थी और लू के हंसने से यानहाओ को गुस्सा आने लगा था। अब वो लू और नाइली से कहता है कि तुम दोनों जरूरी वही स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें शियाओ अपने साथ लाया है। वैसे मैंने सुना है कि तुम में से एक हेवनली स्पिरिचुअल रूट के 8th ग्रेड पर है और दूसरा 5th ग्रेड पर, मगर एक बात ध्यान रखना, भले ही तुम्हारा ग्रेड बहुत अच्छा हो मगर तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, इसलिए कभी भी मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। और अब इतना कहकर यानहाओ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और खास कर नाइली को अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर नाइली सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर सभी लोग इतने लड़ाकू क्यों हैं। तभी लिन सामने आकर यानहाओ को रोकती है और कहती है कि ये दोनों ही शियाओ के दोस्त हैं, हमें इन्हें इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी। अब यानहाओ उसकी बात मानकर आगे आता है और कहता है कि तुम दोनों भी कमाल हो, मुझे लगा कि तुम पावरफुल होगे, लेकिन तुम तो एक लड़की के पीछे छुप रहे हो, क्या यही तुम्हारी असली पावर है। वैसे चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम शियाओ को छोड़कर हमारी तरफ आ जाओ, हमारे यंग मास्टर तुम्हें भी अपने साथ आने देंगे, तो बोलो और बताओ कि तुम्हें ये डील कैसी लगी। इस पर नाइली कहता है कि ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो, तुम्हें हम हरा नहीं सकते, इसलिए हमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, और ये बात तुम भी जानते हो कि हेवनली स्पिरिचुअल ग्रेड कितना पावरफुल है, तो हमें अपने साथ लाने से तुम्हारा यंग मास्टर तुम पर खुश होंगे। अब ये सच बात सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, लेकिन एक बात जान लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और हमारे यंग मास्टर की बातों को बीच में मत लाओ, वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और उन्हें तुम जैसे लड़कों की जरूरत भी नहीं है, ये तो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा था, और अगर अब तुमने फिर से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब लिन आगे आ जाती है और कहती है कि मैं तुम इन दोनों को कुछ कहने नहीं दूंगी, और अगर तुम आगे बढ़े तो तुम मुझसे फाइट करनी होगी। अब यानहाओ सोचता है कि ये लड़की पागल है और वैसे भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे अभी अच्छा सबक सिखा सकता हूँ, लेकिन इनके फादर एल्डर हैं, इसी कारण से मुझे इसकी बात माननी पड़ रही है। वैसे गाइस अब इस बात से मुझे थोड़ा और डाउट हो रहा है, क्योंकि इसके फादर भी एल्डर हैं और हुआन लिन के भी फादर बड़ी पोस्ट पर थे, तो शायद ये उसकी ही सिस्टर हो सकती है। अब यहाँ पर यानहाओ कहता है कि तुम सामने से हट जाओ, ये ज्यादा ही बन रहे हैं। वैसे तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये शियाओ गया कहाँ, शायद वो डर गया होगा क्योंकि मैं जो यहाँ पर आने वाला था। मगर अब तभी शियाओ पीछे से आ जाता है और कहता है कि कौन डर गया। अब उसकी आवाज़ सुनकर यानहाओ डर जाता है, पर फिर वो खुद को संभाल लेता है और अपने एक्सप्रेशन नहीं दिखाता है।
अब शियाओ आगे आता है। अभी यान हाओ शियाओ से कह रहा था कि तुम अभी भी बिल्कुल नहीं बदले, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम कल्टीवेशन करने में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा तो तुम खेती बाड़ी करो, उसमें बहुत स्कोप है। अब इस पर शियाओ उन दोनों से कहता है कि ये मेरी जमीन है, यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें यहाँ पर जाने से पहले मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अब यान हाओ तो जाने के लिए तैयार था, पर अब वो लीन से कहता है कि देखा तुमने, तुम इसी के पीछे पड़ी रहती हो और ये तुम्हें कैसे इस जगह से निकाल रहा है, और इसने तो तुम्हें हेलो भी नहीं कहा। लेकिन अब लीन तो बिल्कुल खोई हुई थी, दरअसल वो शियाओ को देखकर बहुत खुश थी। अब इस चीज को देखकर यान हाओ सोचता है कि आखिर ये कैसी लड़की है, और ये शियाओ तो मेरे जितना हैंडसम भी नहीं है, फिर आखिर ये उसमें ऐसा क्या देखती है। अब तभी वहाँ पर दो और गर्ल्स आ जाती हैं और आकर चिल्लाती हैं कि ब्रदर शियाओ, आपको पता है मैंने एक मेडिसिन बनाई थी लेकिन वो मुझसे सही तरीके से बन नहीं नहीं रही थी, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। और दूसरी चिल्लाती है, अरे शियाओ तुम आ गए, और फिर वो दोनों शियाओ की तरफ भागती है। यहाँ पर यान हाओ ये सब देखकर शॉक था और सोच रहा था कि आखिर ये लड़का इतना पॉपुलर कैसे है और आखिर मैं इतना पॉपुलर क्यों नहीं हूँ। वैसे अभी लीन सोच रही थी कि ये दोनों फिर से यहाँ पर आ गई। यहाँ दोनों भी सच में शियाओ को बिल्कुल आराम नहीं करने देती हैं। इन्होंने शियाओ को परेशान करके रखा है। अब यहाँ ये दोनों शियाओ के पास आकर शियाओ से कहने लगती हैं कि ब्रदर हमारी हेल्प करिए, हमारे साथ चलिए। मगर तभी हम नोटिस करते हैं कि उन्हें देखकर लू का मुंह अभी खुला का खुला रह गया था। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे यहाँ पर आने से पहले अच्छे तरीके से समझाकर भेजा गया है कि अगर वो यहाँ पर किसी और गर्ल के साथ दोस्ती करता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब नायली उसके पीछे आता है, कहता है कि अपना प्रॉमिस याद करो, और वैसे भी हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है तो चलो हम अंदर चलते हैं। वैसे अभी लू कह रहा था कि भाई मुझे ये सब देखकर ही खुश होने नहीं देते, मगर अब वो वहाँ से अंदर जाने लगती है। वैसे असल में शियाओ इस चीज से बहुत परेशान था, वो दोनों को रोकता है और कहता है कि अरे मेरी बात तो सुनो, मैं अभी किसी से मिलने गया था और मैंने तुम्हारे लिए एक मेंटोर को ढूंढा है जो कि कल तुमसे मिलेंगे। और अब इसके बाद वो नायली को एक बेज देता है और कहता है कि ये आईडी है, इसके जरिए तुम उन्हें अपने आइडेंटिफिकेशन बता सकते हो। अब नायली कहता है कि ठीक है, हम कल उनसे जाकर मिल लेंगे, और इतना कहते ही नायली तुरंत गेट बंद कर लेता है और अंदर चला जाता है। अब शियाओ यहाँ पर कह रहा था कि आखिर ये कैसा दोस्त है, अपने दोस्त को भी नहीं बचा सकते ये लोग, और फिर वो तीनों गर्ल्स उसे घेर लेती हैं। अब शियाओ वहाँ पर परेशान हो रहा था और उससे ज्यादा परेशान अभी यान हाओ उसे देख देख कर हो रहा था। अभी उसे जलन हो रही थी, इसलिए वो यहाँ से जाने का डिसाइड करता है। अब ये पार्ट तो यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन उम्मीद है कि शियाओ को ये पार्ट पसंद आया होगा। तो अब हम उससे इस वीडियो को जबरदस्ती लाइक कराएंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएंगे। वैसे आप भी दोनों चीजें कर देना। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।